गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता, आज के इस लेक्चर में डिटरमिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज हो चुका है। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉइंट गिवन है। इस एक्सरसाइज में तीन बिंदु दिए गए हैं, तीन बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल बताना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की वर्टेक्स दिया गया है, इसका एरिया निकालना। तो फर्स्ट इसका सोल्यूशन फर्स्ट देख लीजिए क्या है। अगर ये जो थ्री पॉइंट दिया गया है, थ्री पॉइंट से ही ट्रायंगल बनेगा, और थ्री पॉइंट एबीसी अगर दिया गया है, फर्स्ट ए हो, बी हो, सी हो, तीन पॉइंट दिए गए हों, तो यहां से अगर ए वर्टेक्स जो दिया गया है, इसको किसके माध्यम से हमको सॉल्व करना, डिटरमिनेंट चैप्टर डिटरमिनेंट का यूज करके। तो यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखे अगर, तो पहला 1 0, दूसरा पॉइंट 6 0, थर्ड पॉइंट 4 3। अब तीन पॉइंट यहाँ पे जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो 3 by 3 ऑर्डर में होना चाहिए, तो जो जहां बच रहा वहां पे 1 1 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकाल लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लें, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 × डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बताए थे, 1 जब लिखेंगे 1 के रो और कॉलम को हटा देंगे, 1 के रो और कॉलम को हटा देंगे, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस में 3 1 3 हो जाएगा। फिर माइनस लिख लेते हैं अगला, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 0 × अब इसको ढक लेंगे तो हो जाएगा 1 का 6 में 6 हो जाएगा, -4 का 1 में 4 हो जाएगा। वैसे शुरू में ये 0 है तो कुछ भी वो 0 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। प्लस में 1 1 लिख दिए, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, अब 6 3 18 माइनस में 4 0 0 हो जाएगा। बना क्या, 0 से 3 निकालेंगे क्या हो जाएगा, -3 1 में मल्टीप्लाई -3, और 6 से 4 निकालेंगे ये 0 0 किसी मल्टीप्लाई 0 ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 18 से 0 निकालेंगे 18 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 18 ही हो जाएगा, प्लस में 18। अब यहां से 18 से 3 अगर निकालोगे कितना बनेगा, 15 15 आया क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। हमको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 1/2 × डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो ये वर्टेक्स दिए गए हैं उनके डिटरमिनेंट का 1/2, यानी 15 है तो 15/2, या इसको लिख सकते हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। इसका जो एरिया बना 7.5 स्क्वायर यूनिट, है ना समझ में। फिर से देख लीजिए क्या है, जो थ्री पॉइंट दिया गया है, इस थ्री पॉइंट को कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, इसका पॉइंट अगर एक्स वन वाई वन हो, इसका पॉइंट एक्स टू वाई टू हो, और इसका पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री अगर हो, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट के रूप में सेट कर लेते हैं। कैसे, जो पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन है, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू है, तीसरा पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री है, और डिटरमिनेंट कब होगा, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होना चाहिए, तो स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या बचेगा, जो बच रहा है उसको 1 1 1 लिख करके इसका पहले सबसे पहले क्या डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो वही चीज किए हैं, पहला पॉइंट लिख दिए है 1 0 है, दूसरा पॉइंट इसका 6 0 है वर्टेक्स का, या 4 3 है, तो 4 3 लिख दिए, 1 1 लिख दिए। अब डिटरमिनेंट फाइंड कर लिए, डिटरमिनेंट का पहला फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो पहला 1 × इसको ढक करके 1 का 0 में 0 और -3 का 1 में 3 हो जाएगा। फिर सेकंड जब लिखते हैं माइनस लगा देते हैं, 0 है
और जीरो लिख करके इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लिए, फिर अलग प्लस में प्लस लिख दिए वन इंटू इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ सॉल्व कर लिए। हमेशा इसका यूनिट जो होगा एरिया निकालने, प्लस आएगा तो भी पॉजिटिव, माइनस आएगा तो भी पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका सेकंड भी देख लीजिए क्या है, इसको सेकंड ए इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरीके से 27 पॉइंट है, 11 है, 10 8 है, और जो बच रहा है उसकी जगह 11 लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 1 हो जाएगा, -8 हो गया है, फिर माइनस में 7 इंटू 7 इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस 10 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 लिख लीजिए, ये 1 हो गया, इसको ढक लीजिए, 8 माइनस 10 हो जाएगा, बना क्या 2 इंटू 8 7 निकालेंगे, -7 माइनस 7 इंटू 10 7 निकालेंगे, यानी 1 से -10 निकालेंगे, -9 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 8 से 10 निकालेंगे, -2 हो जाएगा, या 2 का 7 में मल्टीप्लाई -14 माइनस माइनस प्लस में 9 7 जाए 63, फिर माइनस में 2 माइनस माइनस एक तरफ ऐड कर लीजिए, 16 प्लस 63 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 से 6 निकाले 7 और यहां बचेगा 5 5 से 1 निकाले 4, किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, माइनस होता तो भी प्लस लिख देते। एरिया क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एरिया है, तो एरिया अगर फाइंड करना, अब एरिया लिख नहीं रहे, यहां जैसे ये लिखे थे एरिया, तो एरिया लिख नहीं रहे, वही डेल्टा जो बना है उसका मतलब एरिया क्षेत्रफल है, तो क्या होना चाहिए, जो डिटरमिनेंट ऑफ एरिया है उसका बाय 2 होना चाहिए, इसे यहां बताएं, तो डिटरमिनेंट कितना आया, 47 बाय 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना था जिसके पॉइंट दिया गया था, पॉइंट का यूज करके सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, और डिटरमिनेंट जितना आएगा उसका हाफ ले लेंगे, उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये बाकी एक और है, वो आप लोग स्वयं से हल करेंगे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कह रहा सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोई 3 पॉइंट है, यहां पे मान लीजिए ए है, बी है, यहां पे सी है, प्रूव करना कि ये कोलिनियर है, जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, इस तरीके से जो ये पॉइंट गिवन है x1y1 x2y2 x3y3, अगर इस तरीके से गिवन है, कोलिनियर है, तो सबसे पहले इसको पॉइंट को डिटरमिनेंट के रूप में सेट कर लीजिए, क्या है x1y1 x2y2 x3y3, बाकी 1, ठीक है। डिटरमिनेंट के माध्यम से हमको सॉल्व करना, डिटरमिनेंट में सेट कर लीजिए, तो यही a इज इक्वल टू दिया क्या गया, यह पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, पहला a है b प्लस सी, फिर b है c प्लस a, c है c प्लस a प्लस b, ठीक है, a है b प्लस सी, b है c प्लस a, c है a प्लस b, ये a है 1 1 1, इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a यानी a इंटू a लिख लिए, तो इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो बनेगा क्या, या फिर प्रॉपर्टी का भी तो यूज कर सकते थे, प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर दे क्या, चलिए इससे भी प्रॉपर्टी भी बता देंगे अभी, इसको इसको ढक लीजिए, तो यहां बनेगा क्या, इनका प्रोडक्ट यानी c प्लस a माइनस में a माइनस बी, ये हो जाएगा, फिर माइनस में b प्लस सी, ये हो गया, फिर इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा b माइनस सी, यहां से b माइनस सी हो गया, प्लस में 1 इंटू इसको ढक लीजिए, इसका यहां मल्टीप्लाई,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हो गया फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहां से माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में सी ए या ए सी, तो यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, देखिए ए से ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बना ए सी माइनस में ए बी, यहां से एक में देखिए ये बी प्लस सी है बी माइनस सी है, तो क्या हो जाएगा एक में प्लस एक में माइनस, क्या बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और पहले ही माइनस है तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है ना, देखिए ये बनेगा क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, लेकिन पहले से ही माइनस है इसलिए पहले से ही माइनस है तो क्या माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका यहां सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं कि अलग है, फिर उसके बाद क्या बनेगा ये वन में कोई अंत नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, अब देखिए ए सी प्लस में है ए सी माइनस में है, ए बी माइनस में ए बी प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए इसके पहले क्या बताया था, इसके पहले बताया था ट्राइंगल का एरिया, यानी ट्राइंगल के रूप में बन रहा था, इस तरीके से ए बी सी बन रहा था, ठीक है ना, तो इस तरीके से ए बी सी बन रहा था, उसका कुछ वैल्यू आ रहा था, जैसे ही ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय टू, इसका वैल्यू जीरो बाय टू इज इक्वल टू जीरो, और जैसे ही एरिया जीरो आ जाए तो क्या कहेंगे, ये किसमें है, कोलिनियर में है, जैसे ही एरिया जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे, कोलिनियर है, तो लिख सकते हैं दस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं, संरेख है, ठीक है ना, जो कोलिनियर लिखा गया है इसको हिंदी में कहते हैं संरेख, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाए तो वो संरेख होगा, एक सीधी रेखा में होगा, ठीक है ना, एरिया जीरो का मतलब सब एक सीधी रेखा में। अब यहाँ पे इस तरीके सॉल्व किए हैं, इसी को प्रॉपर्टी का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी सेकंड मेथड, प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते थे, क्या लिखा था ए इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ वन 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 है, तो प्रॉपर्टी कैसे बताए थे, प्रॉपर्टी यहां से ऐसा कर लीजिए C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर लीजिए तो क्या बनेगा, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ A बनेगा यहां से उसका वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है, इसके डिटरमिनेंट निकालना है प्रॉपर्टी मेथड से क्या बनेगा, सबको जोड़ लीजिए A प्लस B प्लस C, यहां भी B प्लस C प्लस A, B प्लस C प्लस A, यहां भी C प्लस A प्लस B, ये बनेगा ही बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन, यहाँ क्या है फर्स्ट कॉलम में ए बी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, बचा क्या वन वन वन, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन, जब दो कॉलम या दो रो जीरो हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, अपने आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, तो ऑलरेडी जीरो हो गया है, यहां से भी आया है इसका वैल्यू क्या हो गया है जीरो, ठीक है, जैसे ही डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या कहेंगे वो कोलिनियर है, सनरेख है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टेक्स आर गिवन, यहां पे के का वैल्यू पता करना है, के का वैल्यू क्या हो सकता है जिसके क्षेत्रफल दिया गया है चार स्क्वायर यूनिट, चार वर्ग इकाई हो,
तीन पॉइंट दिया गया है, इस तीन पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल की एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है कि 4 स्क्वायर यूनिट है, तो के का वैल्यू बताओ। इसके लिए सोल्यूशन देखिए फर्स्ट इसका, पहले का सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट के रूप में शो कर लीजिए, K0 4 0 0 2, ये 3 पॉइंट दिया गया वर्टेक्स का, 1 1 लिख दीजिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, क्या बनेगा, K इंटू, अब K इंटू लिखेंगे, K इंटू यह ढक लेंगे, यहां से 0 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में 0, अब कुछ भी लिखेंगे 0 हो जाएगा, लिख नहीं रहे हैं, 0 ही हो जाएगा, फिर +1, अब 1 इंटू इसको ढक लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 2 8 -0, यहां से बनेगा माइनस में 2 K, -2 K, और यहां से क्या बनेगा, 8 बनेगा, प्लस में 8 है, ये तो डिटरमिनेंट का बना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है उसका बाई 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया, 4 स्क्वायर यूनिट, इसकी जगह 4 लिख लीजिए, हाफ, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, गिवेन है -2 K प्लस में 8 बाई 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस माइनस में होता है, प्लस भी होता है, यहां लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों वैल्यू होता है, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव दोनों तरीके से। अब मान लीजिए प्लस माइनस होता है, अब टेकिंग पॉजिटिव पे पहले लगाएं तब क्या बनेगा, देखिए यहां से 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई -2 K प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, K का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर इफ, एक तो वैल्यू ये हो जाएगा, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाए, -4 हो जाए, स्क्वायर यूनिट हो जाए, तब क्या बनेगा, यहां -4 इज इक्वल टू माइनस में 2 K प्लस 8 बाई 2, यहां देख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -2 K प्लस 8, इधर आ जाएगा -8 -8 इज इक्वल टू माइनस में 2 K, -2 K इज इक्वल टू माइनस में 8 और 8 16, माइनस से माइनस कैंसिल, K इज इक्वल टू 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, K का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, आया ना समझ में, आया समझ में, K का वैल्यू 0 होगा और K का वैल्यू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का भी निकाल सकते हैं, सेकंड का क्या बनेगा, इसके लिए भी A इज इक्वल टू -2 0 0 4 0 K, ताकि 1 1 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए साइड एक का मान क्या हो जाएगा, -2, इसका यहां ढक लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस की, -0 यहां भी आ गया, कोई अंत नहीं है, कुछ भी यहां लिखेंगे 0 ही हो जाएगा, +1 लिख दें, इनटू इसको ढक लें, इसको ढक लें, क्या बनेगा, देखिए इसको ढक लें, इसको ढक लें, यह हो जाएगा यहां 0 -0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस में 2 K। अब यहां भी वही दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई 2 होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट, यहां भी प्लस माइनस, हम तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहे हैं, निगेटिव पे आप लोग साफ कर लेंगे, तो 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -8 +2 K/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8 + 2, -8 + 2, 2 K इधर आ जाए, माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, -8 -8, तो -2 K इज इक्वल टू क्या, -16, यह कैंसिल, K इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8, तो K का वैल्यू क्या हो गया है, 8। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, रेखा का समीकरण बताना है,
पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है पहले इक्वेशन के लिए, और दूसरा इक्वेशन या दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में। एक हम बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, रेखा का समीकरण बताना है, यानी कोई रेखा इस तरीके से दिया गया है, ए दिया गया है, ए वन कामा टू है, और बी यहां दिया गया है थ्री कामा सिक्स है। अब लोकस ऑफ पॉइंट की कहीं से निकालना है, कहीं भी कोई एक पॉइंट बीच में, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मान सकते, कोई पॉइंट पी है यानी एक्स कामा वाई है, इस तरीके से कहीं भी एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई है, इसके रिस्पेक्ट में हमको इक्वेशन बताना है, समीकरण बताना है। तो सोल्यूशन देख लीजिए फर्स्ट का, क्या पहले डिटरमिनेंट के रूप में सेट कर लीजिए, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट वन टू ये लिखा गया है, फिर क्या है थ्री सिक्स लिखा गया है। अब जो पी माना गया, चाहे पहले लिख दीजिए, बीच में लिखिए, तीसरे स्थान पर लिखिए, कहीं भी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कहीं भी लिख दीजिए, मान लीजिए पहला दोनों पॉइंट लिखा गया और ये हम अंत में लिख दे रहे हैं, इसको डिटरमिनेंट के रूप में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट आ गई, यूजिंग डिटरमिनेंट कह रहा है, चैप्टर भी डिटरमिनेंट है, तो यूजिंग डिटरमिनेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वन इंटू इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा सिक्स माइनस वाई, फिर माइनस में टू इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा थ्री माइनस यक्स यक्स प्लस में वन इंटू क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए, यहां पे थ्री वाई माइनस में सिक्स यक्स, ठीक है ना। अब यहां पे सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सिक्स माइनस वाई ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में थ्री टू जाए सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में एक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस में थ्री वाई माइनस में सिक्स एक्स। अब देखिए सिक्स ये पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री वाई है और यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, थ्री वाई से वन वाई निकालेंगे क्या बनेगा टू वाई बनेगा, माइनस सिक्स एक्स है और प्लस में वन एक्स है, तो माइनस में क्या बनेगा फाइव एक्स, सही है ना, सही नहीं थोड़ा गलती है, देखिए माइनस टू का मल्टीप्लाई थ्री में, माइनस टू थ्री या सिक्स हो जाएगा, और माइनस टू का यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस में टू, सिक्स से टू निकालेंगे अब क्या बनेगा माइनस में फोर एक्स, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया है। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन एक कोलिनियर है, संड्रेक है, संड्रेक के लिए क्या होना चाहिए, एरिया ट्राइंगल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, एरिया ट्राइंगल क्या है संड्रेक के लिए जीरो होना चाहिए, या लिख देते हैं रेखा का समीकरण के लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो करें, टू वाई माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां से हो जाएगा माइनस में फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में टू वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, टू से डिवाइड कर लेंगे टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इसका इक्वेशन। अब इसका दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पे दिया गया थ्री वन नाइन थ्री एक्स वाई मान लीजिए वन वन वन, अब डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, जैसे भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा हो जाएगा, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी थोड़ा लगा दे रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से बनेगा थ्री माइनस वाई फिर माइनस वन इंटू इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा नाइन माइनस एक्स, नाइन माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में वन, यहां से क्या बनेगा नाइन वाई, नाइन वाई माइनस थ्री एक्स क्या बना, थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री वाई माइनस में नाइन माइनस माइनस प्लस में एक्स और प्लस में नाइन वाई माइनस थ्री एक्स, अब देखिए क्या बनेगा, यह कैंसिल हो गया, थ्री वाई से नाइन वाई निकालेंगे कितना बचेगा सिक्स वाई, और माइनस थ्री एक्स है वन एक्स निकालेंगे माइनस में कितना हो जाएगा टू एक्स, यहां भी वही जैसे यहां लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, यानी सिक्स वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो,
माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में सिक्स वाई या कैंसिल टू से डिवाइड एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई। इक्वेशन आप लाइन इसके लिए ये है, इसके लिए ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए फाइव क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स 2 कामा माइनस 6 4 कामा 5 एंड k कामा 4 देन k इज। अब इसके पहले क्वेश्चन बताया ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दिया गया हो तो वहां से k का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन बताए थे, थर्ड क्वेश्चन बताए थे ना, क्या सबसे पहले जो दिया गया है उसको किसमें सेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में 2 कामा माइनस 6 5 कामा 4 के कामा 4 यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। हमसे पहले आप लगाइए, आप हमसे पहले लगा ले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 इसको ढक लीजिए 4 माइनस 4 फिर माइनस माइनस प्लस में 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 माइनस के फिर प्लस 1 इंटू इसको ढक लीजिए 5 4 या 20 माइनस 4 के, ठीक है 20 माइनस 4 के ये कैंसिल हो जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई अगर कर लीजिए 6 5 या 30 माइनस 6 के और प्लस में 20 माइनस 4 के। अब देखिए 30 या 20 मिलकर 50 माइनस 6 4 मिलकर 10 कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 35 स्क्वायर वर्ग इकाई हो और उसके शीर्ष दिए गए हो तो वहां से के का वैल्यू क्या बनेगा। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया है, जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए पता हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट बाय 2 होना चाहिए और यहाँ पे जो ये एरिया दिया गया वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वैल्यू अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है 50 माइनस 10 के डिवाइड में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 के, ये इधर आ जाएगा 10 के इज इक्वल टू 50 माइनस 70 10 के इज इक्वल टू माइनस में 20 के इज इक्वल टू माइनस 20 बाय 2 10 इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक के का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 2 हो गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव हो गया, टेकिंग नेगेटिव अगर वैल्यू ले लें तो इसका हो जाएगा माइनस में 35, क्योंकि एरिया जो बनेगा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों बनेगा 35 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आ रहा है 50 माइनस 10 के बाय 2, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों बनता है, इसके पहले भी बताए हैं तुरंत। तो यहां से वो क्या जाएगा 50 माइनस 10 के बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 के, इधर आ जाए माइनस प्लस में हो जाएगा 10 के इज इक्वल टू 50 प्लस में 70 के इज इक्वल टू क्या 7 5 12 120 बाय 10 ये कैंसिल हो जाएगा के का वैल्यू 12। तो के का कितना वैल्यू, एक माइनस 2 एक 12, कौन सा है माइनस 2 और 12, डी ऑप्शन सही। आई होप आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बनाकर हमारे पास तक शेयर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में फिर लेकर आएंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।